देख लेना अगर मैं नाराज हुई ना, मेरा कोई कसूर नहीं है। पता नहीं शादी हो गई, बिरा तब्दील तो नहीं हो गई, नहीं वाकई मैं नाराज हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और आप सबकी खैरियत के लिए दिल से दुआ हूँ। तो आप सबका खुश आमदीद एक नई वीडियो में, एक नई ब्लॉग के साथ। अभी जी मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, और पीछे जो है सदाकत वो भी अपनी तरफ से तैयार हो चुके हैं। तो नहीं मैं बस कहना नहीं चाह रही थी, वो खुद ही बोल पड़े हैं। तो हम तैयार हो चुके हैं, हम जाने लगे हैं जी सिस्टर की तरफ, आप यासे की तरफ। वो इस वजह से भाई, क्योंकि मुझे तो भाई बड़ी कहते हुए भी बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि अब ईद गुजरे हुए तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं और हमने अभी तक उन्हें ईद नहीं दी। जब वो आई थी यहाँ पे, तो मतलब ईद से पहले हमने उन्हें कहा था कि हम जब वो आएंगी हमारे घर तो हम उन्हें पैसे वगैरह जो है ना वो देंगे। और जब वो आई तो फिर इन्हें कोई काम पड़ गया, और इनकी आदत है मुझे तो पैसे देने नहीं है, तो मुझे ये पैसे दे कोई नहीं क्या। जितने मैंने देने थे ना उतने मेरे पास नहीं थे, 1000-2000 थोड़ी देने थे उन्हें मैंने। मैंने फिर उन्हें कहा कि आप थोड़ी देर रुके, लेकिन उन्हें जल्दी थी कि अब मतलब शाम हो गई थी, ये आराम से गए और इन्हें वापस आने ही भूल गया, और फिर वो चली गई। मुझे वो आदमी बड़ी शर्मिंदगी होती रही, उन्होंने यही कहा कि कोई नहीं हम जब चलेंगे ना तो फिर उन्हें हम जो भी गिफ्ट वगैरह होंगी ईदी जो है ना वो दे देंगी। और वो करते कराते ये टूर पर चले गए, और टूर से वापस आके फिर अपने कामों में इधर उधर लग गए, और अब जाके मैंने इन्हें तैयार कर लिया है कि आज तो भी हमने जाना ही जाना है। वो क्या सोचेंगे कि बस नया नया वो चा चढ़ा हुआ था और शादी के बाद एक दफ़ा ईद दे दी, अब बिल्कुल ही भूल गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहनों का तो पहले हक होता है, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई है, और पता नहीं वो ये ना सोच रही हूँ कि ये तो भूल ही गए हैं, लेकिन चलें अब जाते हैं। हमने उन्हें बता दिया कि हम आ रहे हैं। देख लेना अगर मैं नाराज हुई ना, मेरा कोई कसूर नहीं है। कोई नहीं, बहनें नाराज नहीं होती, होती मुझे पता है यार, नाराज नहीं होते, लेकिन एक होता है ना बहनों को चाह होता है कि भाई अब शादीशुदा है ना, ईद होती है। पैसों की तो तंगी किसी को नहीं होती, बस वो एक चाह होता है, शौक होता है बहनों का कि भाइयों की तरफ से ईद मिले। अब सही आपका रंग खिल खिल के आ रहा है, मैंने वो लगाया हुआ है सनब्लॉक। वो आप देखोगे वीडियो में तो आपको मेरा सारा जो है ना मुझे लगता है पिघल गई हूँ मैं। पिघल जाता है बंदा गर्मी में बहुत ज्यादा। वो आप वीडियो देखोगे ना आपको पता चलेगा आप चिट्टे हुए हो क्या हुए हो, मुझे बता दो यार। देर हो गई, हमने उन्हें कहा था कि हम ना तकरीबन मतलब 3-3.5 घंटे पहले हमने उन्हें कहा था कि हम आधे घंटे में निकल रहे हैं, और अब वो दो दफा कॉल कर चुकी है। ये इनका कोई पार्सल आना था, उसकी वेट में बैठे रहे हैं, और अब जाके तैयार हुए। मुझसे ज्यादा ये टाइम लेते हैं तैयार होने में, पता नहीं तैयार तो क्या हो गया यार। वो असल में गर्मी गर्मी करते करते टाइम गुजर जाता है, मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा जो है ना धूप की शिदत कम हो रहे, लेकिन अब बस करो, बस 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 बहुत होगी बातें, अब चलते हैं ना जल्दी करो। मैं बाइक निकाल लूं, चलो जी चले। निकालें, बहुत देर हो गई है भाई। मौसम आज कल आंखों चोली खेल रहा है, कभी धूप आ जाती है तो कभी बादल आ जाते हैं, कभी ऐसे लगने लग जाता है, मौसम बहुत प्यारा है। क्यों ही सूरज की आँख निकलती है तो फिर शिक्षक ज़्यादा फील होती है कि इंतहा हो जाती है। स्कूल गए हुए काफ़ी दिन हो गए, इस रास्ते से गुजरे भी काफ़ी दिन हो गए, नई नई फसलें लग गई है, कपास की फसल इसके ऊपर कितने टोटे लगे हुए, पूरा माहौल ही बदल गया है। अभी तो महीना हुआ है तकरीबन स्कूल बंद हुए, अभी घर पहुंच चुके हैं, और इधर भी हमने फ्रूट्स भी ले लिए थे, और वो देख भी रही हैं साथ साथ, भैया आ गए आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्यों तो बहुत ज्यादा गल गए हमने, बहुत ज्यादा गल गए उसे। भाई फ्रूट लेके आया, तकलीफ तो तकलीफ तकलीफ याद करवा रही है भाई, तकलीफ की थी करो। और बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ। सही बताया उस वक्त कोई थी तैयारी शारी भी कोई नहीं, इतना सर बैठे हुए थे ना कपड़े इसलिए ना पूछ, ऐ मैं कह दी भी आधे घंटे तक आ रहे। अच्छा ओ मैं आधा, मैंने ये कहा था गुजरे तीन गुजरे फिर मैं कॉल की, नहीं नहीं मैंने ये कहा था कि शायद हम आए, ये कंफर्म तो मैंने नहीं कहा था। नहीं मैंने तो मुझे मैं लाके दसे अभी अम्मी ने मम सदाकत फोन आयो पे अंदर से घंटे तक वाले बोल सा नहीं, मेरे को पूछया सो अगर मेरे को पूछया सो अगर आओ तो कितनी देर तक, मैं क्या अगर आया से तो शायद मुन आधे घंटे से निकल सा। नहीं भैया अगर आयो से या ना आयो से ए मेरे तक गल कोई नहीं, ए मम मोरी आमना। अच्छा हुन को जुर्माना साडे वास्ते? हां जुर्माना है, ये अगर चावल ठंडे हो गए तो गरम करने का की तरीका है, मेरे फुटणी नहीं ओवन में गरम कर लो। हां ये
ओवन है ना, ओवन गर्म हो जा से ते आए नहीं मैं मजाक कर रही हूं लेट काफी हो भाई ऐसे आया बड़े ना स्पेशल तैयार हो के माशाल्लाह ईदी रह गई आई ते मैं ओदे घर कोई ना भाई अच्छा भाई मेरी ईदी पुरानी रंदी है माशाल्लाह ते मैं आके पता नहीं शादी हो गई है बिरात तब्दील तो नहीं हो गई लेकिन नहीं होया मैं तो शर्मिंदा हो रही थी ईदी बने में ठीक है कोई ना मैं क्या भाभी नु मैं क्या रुसा के मना ले सा वीडियो अच्छी बन जासी बस ये नी हूं तू फ्रूटा ने खुश हुई खलोती हूं अगे जरूर कुछ करना इंतजार बैठी जा जल्दी दे चलो फिर अज असि आ गए चलो कितने दम दी खलोते चलो खा ले सा इधर देखो भाई पहले ही दस्तरखान लगा पड़ा है और इधर थत्था भी आया बैठा है। हाँ जी पहले ही पहुंचा होता है यार, मतलब हम जब भी आते हैं ये पहले आया बैठा होता है। हमारा प्लान होता है कि हम अकेले अकेले जाके खाए। मैं भी नहीं, तू तो अपने काम आया ना, दसी भाई हैं आज मैं स्पेशल आ जाओ। नहीं नहीं आज तो दास ना, आज मैं स्पेशल आ जाओ। नहीं तो मुड़ मैं कमी बेच छोड़ दे बनी है। चले छोटा मैका मैं वड्डा मैका। चलो भाई भूख सानू भी बड़ी लगी हुई है, असि भी टाइम इस वजह तो ये चूज किया भाई दोपहर का खाना भूख आ गई। ओहो लेट हो गई है, चलो जल्दी करिए। असि आके भाई घर पकाना ना, हम सी दोपहर का कह जा रहे हैं। नहीं तो आज ही तुम पकान दे, सिंपल है ये हो सकता है। चलो जी ले आओ खाना। अच्छा भाई मसाला खाना लग गया है और किस है नाल मीठा? नहीं मीठा तो बाद में चोंदा ना, वो मेरी भाभी दी पवे पसंद ही थी। जल्दी ले आओ जल्दी ले आओ भाई। पुलाव आ गया हमारा साथ में सैलेड, ये रायता या दही भल्ले हैं मेरे ख्याल में, और इधर भाई प्याज और टमाटर वाला सैलेड है। और ओ हो बड़ा ख्याल रखनी है भाई। ये आ गए विंग्स, वाह जी वाह, शुरू कर भाई शुरू कर। सर भाई माशाल्लाह खाना सारा ही मजे का है, तो खाना एंजॉय करते हैं पहले। अच्छा भाई आइसक्रीम भी आ गई है और इन्होंने ये जिम्मेदारी जो है ना मेरी बेगम को सौंपी है भाई, बंदर बांट करनी है। अपने हाल ज्यादा रखी तो तू इन्हें थोड़ी थोड़ी देवी। बस इन्हों चखा आप, बाकी पैक करके नाल लै जाने। थोड़ी कर ज्यादा ज्यादा पा रही है, पूरी भी करनी है ढेर सारे से। एंड ते अपनो नुकसान ना पाए खलोती हुई सदाकत में टेंशन होने लगी, घर नु घाटा बस ये ना खत्म होती जाती।
ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਘੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਅਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਨੇ ਖਾ ਲਿਆ सद गई नहीं जी नहीं असि दीवा बलने कंपैरिजन करने लगे नहीं भाई किसी तरह आज नहीं खोल नहीं दस से कितनी आगे इकट्ठी कर आए हो उस दिन कोई हो गई आई 10-12 हज़ार अच्छा हां इतनी तो हां ओ भी वैसे थोड़ी जी उरला पर मन हो गई है मिसिंग गई ना थोड़ी जी दी हुई आई लेकिन दो घर तो मिली आई वो 10-12 हो गई है अच्छा एक घर उठ भी रंदा है मतलब हाल ना सही तरह गेन मिसिंग हो गई और जस मैंने मेरी पहले कहीं वीडियो बनती आई ना वो नहीं बनी आज बन सी फ्रूट खवा के मना ले सा मैं ये लेट हो गई इस बन चलो आ तो गए हो ना मैं किरण नु आ किरण ने आके रुक जा मैं तो हूं तो मैं कदे भी नहीं रुकती मैं तो सी इस बन हंसो ते अल्लाह संग बाना ने तो मौका बन गया तुसी आ गए हो ते मैं बड़ी खुश हूं अल्लाह ताला को इतना देवे दिन रात जो तो गिनते गिनते ना थको हां जी हां जी आ भाई बहन हमारी हो गई खुश और नाराज भी नहीं हुई अगर नाराज थी तो फिर भी खुश हो गई नहीं नहीं मैं खुश ही खुश हूँ तो मैं तो ये खुश यही पे इस बहाने ओ अमसन मैं एक राह छाड़ के आई हूँ मैं इस राह ते मगर वेखी हम दे और ना हम ये भी ए भी चेक कर रही हूँ कि हम दे भी नहीं नहीं मैं उम्मीद है ये इंशाल्लाह आमना नहीं कभी हमने सोचा कि हम ऑनलाइन करते संभाल होती है संभालना होता है और याद रखना होता है वही चीज होती है बहुत फील हो यार मैं वादा की तो है।
चलें भाई आज की वीडियो यही पे एंड करते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।